ये तैयारियां 9 अप्रैल को आ रहे महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार गुड़ी पाड़वा के लिए ही है। गुड़ी पाड़वा से ही मराठी नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन से हिंदुओं का नया साल भी शुरू होता है। मराठी समुदाय के लोग इस दिन समृद्धि के सूचक गुड़ी को घर के बाहर बांधकर उसकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे आने वाला साल सुख, सफलता और ऐश्वर्य लेकर आता है। बीजेपी ने तय किया है कि मुंबई में 125,000 हिंदुत्व की गुड़ी संदेश ध्वज कैंपेन के जरिए लगाई जाएगी। इस बार हमने तय भी किया है कि 1,000,000 मुंबई वासियों के घरों तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा हुआ संदेश उनके ही पत्र रूप में हम लोगों तक पहुंचाएंगे और 125,000 घरों तक हिंदुत्व की गुड़ी विकसित भारत के लिए ये संदेश वजह कैंपेन भी हम करने वाले हैं। मुझे लगता है इतना बड़ा कैंपेन मुंबई शहर में ये पहली बार अनुभव में आएगा। चुनावों में राज ठाकरे किस तरफ होंगे अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन वो गुड़ी पाड़वा का एक टीजर लॉन्च कर चुके हैं जिसमें उनके एक सांकेतिक बयान से सस्पेंस और बढ़ गया है। इंतजार उनके भाषण का है कि काय घडतंय हे सांगण्याची। 9 एप्रिलला शिवतीर्थावर या, मला आपल्याशी प्रत्यक्ष बोलायचंय। मनसे ने शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में गुड़ी पाड़वा का आयोजन रखा है। शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। उद्धव गुट की रैली जम्बूरी मैदान में होगी, इस पर बीजेपी तंज कस रही है। आदित्य ठाकरे को सवाल है कि आप कौन से मुंह से रैली करोगे? याकूब मेमन का आपने कब्र सजाया, इसके लिए हिंदू नववर्ष मनाने की रैली करोगे? हिंदू लोग और हिंदू नववर्ष को मानने वाले लोग आदित्य ठाकरे जी के इस प्रकार के किए हुए पिछले कामों को, रवैयों को लेकर परेशान भी है, आहत भी और पीड़ित भी है। तो आदित्य ठाकरे जी को इस रैली में जनता जवाब पूछेगी कि आपके सरकार होते समय याकूब मेमन का कब्र क्यों सजाया गया? आपके सरकार होते समय भारत तेरे टुकड़े हो 50,000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले लोग महाराष्ट्र में आकर सभा क्यों कर रहे थे? और इस प्रकार के सवालों का जवाब आदित्य जी को देना पड़ेगा। हालांकि आयोजक राजनीतिक परछाई अपने आयोजन में नहीं पड़ने देना चाहते। पिछले 22 साल से गिरगांव में हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। पहले साल से हम लोग इस यात्रा को बिगर राजकीय, नॉन पॉलिटिकल रखने का प्रयास करते हैं। अलग अलग विचार के कार्यकर्ता हमसे जुड़े हैं, पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ध्वज, कोई भी झंडा या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता है उनके फोटो ऐसे हम यात्रा में सम्मिलित नहीं होने देते। मतलब ऐसा सबसे आवाहन होता है और अभी तक 22 साल तक हम लोग इसमें यशस्वी हुए हैं। एक 100% वोटिंग हो ऐसा संदेश देने वाला रथ इस यात्रा में इस साल होगा। पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर या ये कोई भी नेता का फोटो ऐसा इस यात्रा में नहीं होगा। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाने का एक बड़ा कारण मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध में विजय पाने से भी जुड़ा है। इस वजह से हर घर के बाहर हिंदुत्व विजय पताका वाली गुड़ी लगाई जाती है, जिसे सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को एक ब्रांड के तौर पर देखा जाता है, जिनके इर्द गिर्द सारी राजनीतिक उथल पतल होती हुई नजर आती है। इस वजह से गुड़ी पाड़वा इस त्योहार का महत्व एक पर्व से कई ऊपर उठकर माना जाता है। देखना ये होगा कि 9 तारीख को सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का मौका नहीं छोड़ेंगी। कैमरा पर्सन संदेश बाइकर के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया।